हमारे काश मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ काश मेहमान हैं साहित्यकार जोधराज मधुकर जी। जोधराज मधुकर जी राजकीय सेवा में हैं, व्याख्याता के पद पर हैं। शिक्षा के साथ साथ इन्होंने साहित्य सृजन का भी बखूबी काम किया है। आइए जानते हैं इनसे साहित्य के क्षेत्र के बारे में। जोधराज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जोधराज जी, अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, शिक्षा आपकी कहाँ से हुई और कब से आप साहित्य सृजन के क्षेत्र से जुड़े? मेरा मूल गांव है वो जिला कोटा की तहसील सांगोद में, ग्राम बोरीना कला है जो सांगो से थोड़ा पहले आता है। मेरे माता पिता जो है किसान थे, वो अभी इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी पूरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो हुई वो गांव पे हुई और उसके बाद में मैं कोटा भैया के पास आया और मेरी पूरी शिक्षा यहीं ग्रहण की राजकीय विद्यालय से। 89 में मैंने बीएससी किया, उसके बाद में 91 में मेरी बीएड करने के बाद कुछ समय के लिए मैंने प्राइवेट स्कूलों में भी अध्ययन करवाया। तत्पश्चात 96 में मेरी राज्य के सेवा प्रारंभ हुई। थर्ड ग्रेड से मैंने चलना प्रारंभ किया। सन 2013 में मेरी प्रथम पदोन्नति हुई और सेकंड ग्रेड में मेरे को लगाया गया और 2019 में मैंने प्रथम व्याख्याता पे मेरी पदोन्नति हुई और तब से मैं लगातार अभी सेवा में काम कर रहा हूँ। मैंने साहित्य की रुचि मेरी प्रारंभ से थी, बचपन में भी मैं छोटे छोटे श्लोक या जैसे दोहा वगैरह लिखा करता था, परंतु बीच का खंड काल ऐसा आया कि कुछ परिस्थितियाँ थी जो मैं लिख नहीं पाया। और जैसे ही सर्विस में आया तो मैंने जो शिक्षक संघ हैं उनमें काम करना प्रारंभ कर दिया, तो समय नहीं मिल पाता था। परंतु 2018 में से मुझे ऐसा लगा कि ये जो शिक्षक संघों में काम करना, दिन भर भागना दौड़ना, इससे थोड़ा निकल करके और अपन को कुछ ऐसा किया जाए जो देश के हित में हो, समाज के हित में हो। मैंने बहुत सोचा विचारा, परंतु ये पाया कि जो समाज सेवा है, देश सेवा है, राष्ट्र सेवा, जो भी अपन मानते हैं, इन सब के रास्ते जो निकलते हैं वो साहित्य क्षेत्र से निकलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो मैंने 2018 में ऐसा सोचा कि साहित्य के क्षेत्र में काम किया जाए और इस निमित्त एक छोटी सी संस्था बनाई जिसका नाम है मधुकर काव्य सृजन संस्थान। वह संस्था बनाने के बाद में 2019 में और 2020 में कोरोना प्रारंभ हो गया। कोरोना में मेरे को बहुत आघात लगा, कोरोना बहुत स्कोर लगभग 19-20 के आसपास मेरा स्कोर हो गया। 18 दिन तक मैं उसमें आईसीयू में भर्ती रहा। जब भगवान की दया से जब मैं अच्छा स्वस्थ होकर निकला तो मैंने सोचा कि मैं अब साहित्य के क्षेत्र में काम करूंगा और मैंने एक जो ये पत्रिका है काव्य सृजन के नाम से, जो मधुकर काव्य सृजन संस्थान में मधुकर काव्य पत्रिका त्रैमासिक निकालना प्रारंभ किया, जिसमें लगभग 7 प्रांत से हम साहित्यकारों की रचनाएं आमंत्रित करते हैं, उसमें लेख देते हैं, उसमें इसमें बहुत सारे प्रशिष्ट बने हुए हैं, जैसे कि इतिहास के झरोके से, तो इतिहास से हमारे समाज में आसपास जो भी अच्छे स्थान हैं उनके बारे में पाठकों को अवगत कराया जाता है। कहानियों का एक प्रशिष्ट है, कहानियों से जो शिक्षाप्रद कहानियाँ होती है उससे पाठकों को किया। इस प्रकार की हमने ये की और मैंने सोचा कि जब जीवनदान मिला है तो इसको मैंने 2 साल तक निःशुल्क सेवा दी। अब कुछ चार्ज लेते हैं
जो दे देता है, नहीं भी देता है तो उसका भी हम छापते हैं। इस प्रकार से ये मेरा सृजन चलता रहता है। कुछ हिंदी में व्याख्याता होने के नाते मैं लिखता भी रहता हूँ, तो इस प्रकार से मेरी ये साहित्यिक क्षेत्र में कार्यक्रम चालू रहता है। जोधराज जी, आप एक व्याख्याता हैं, समय का अभाव राज के सेवा में होता है, किस तरह आप अपना साहित्य का ये जो अलग जगह रहे हैं, कैसे हो पाता होगा? एक वैसे तो दिन भर ऑफिस का काम और सब बच्चों के बीच में रहना, ऑफिस में करना, परंतु जब घर आता हूँ 7-7:30 बजे जब घर पहुँचता हूँ, खाना खा के फिर मेरा घंटे 2 घंटे का ये निवर्त नियमित रहता है कि मैं कुछ जो कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, वो थोड़ा बहुत लिखता डेली, ये मेरा प्रोसेस रहता है। तो उसमें माँ शारदे का आशीर्वाद मिलता रहता है। चौधरा जी, आपने भी कविताएँ तो लिखी है जी, तो कोई कविता हो आप हमारे दर्शकों को सुनाए। हाँ, मैं सर कुछ बताता हूँ आपको। ज़्यादातर मैं क्या है कि सर गज़ल, मुक्तक और गीत लिखा करता हूँ छोटे छोटे, तो कुछ आपको मैं एक आध गज़ल सुनाता हूँ, एक दो पद छंद में लिखता हूँ तो छंद के पद सुनाता हूँ। जी 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 जी, मैं मेरा काव्य पाठ एक शेर से प्रारंभ करता हूँ। फकत किरदार इतना सा है मेरा, फतक किरदार इतना सा है मेरा, फिदा दुश्मन है मेरी सादगी पर। यहाँ से मैं मेरा काव्य पाठ, और एक जैसा मैंने अभी कहा कि मेरी सादगी पर, तो एक छोटी सी इसी पे गज़ल है मेरी, वो आपको सुनाता हूँ। प्यार से जो कोई मिलता है, प्यार से जो कोई मिलता है तो हंस देते हैं, प्यार से जो कोई मिलता है तो हंस देते हैं, कोई बिन बात पर जो लड़ता है तो हंस देते हैं, प्यार से जो कोई मिलता है तो हंस देते हैं, कोई बिन बात जो लड़ता है तो हंस देते हैं। ये जो मासूम सी फितरत है मेरी यारों, ये मेरी जो मासूम सी फितरत है यारों, जब कोई दिल से उतरता है तो हंस देते हैं, तो हंस देते हैं। अगला शेर इस प्रकार से है। जख्म देना तो है दस्तूर इस दुनिया का, जख्म देना तो है दस्तूर इस दुनिया का, दर्द जब दिल में उभरता है तो हंस देते हैं, दिल में जब दर्द उभरता है तो हंस देते हैं। और अगला बंद ऐसा है कि मुस्कराना मेरा मेरी, मुस्कराना मेरा मेरी अदा है दिलकश, मुस्कराना मेरा मेरी अदा है दिलकश, देख इसको कोई जलता है तो हंस देते हैं, कोई देख इसको जलता है तो हंस देते हैं। और अंतिम जो बंद है वो है, राज है कोई मोहब्बत में यूँ गहरा दिलकश, राज है कोई मोहब्बत में यूँ गहरा मधुकर, चैन रातों की जो उड़ाता है तो हंस देते हैं, चैन रातों की उड़ाता है तो हंस देते हैं। इस प्रकार का छोटा सा मैंने एक गज़ल लिखने की कोशिश की है, और एक गज़ल और आपको सुनाता हूँ मैं। ये शहीदों के नाम मैंने लिखी थी शहीद दिवस के दिन, तो आपकी नज़र करता हूँ। जो तिरंगा है कफन, जो तिरंगा है कफन उसकी जियारत को नमन, जो तिरंगा है कफन उसकी जियारत को नमन, मर मिटे जो इस वतन पर उस शहादत को नमन, उस शहादत को नमन, उस शहादत को नमन। और अगला अंतरा है, मौत का आशिक मैं हूँ, मौत का आशिक मैं हूँ तो मौत मेरी है सनम, मौत का आशिक हूँ तो मौत मेरी है सनम, इस रवानी में भरी बेदाग हसरत को नमन, इस रवानी से भरी बेदार हसरत को नमन, जो तिरंगा है कफन उसकी जियारत को नमन। अगला बंद इस प्रकार से है, जीते जी जिसने फतक दुश्मन को ना होने दिया, जीते जी जिसने
पतह दुश्मन को ना होने दिया, प्राण न्योछावर करे जो उस अकीदत को नमन, उस अकीदत को नमन, मर मिटे जो इस वतन पर उस शहादत को नमन, उस शहादत को नमन। चीन का जब ये चला था उस समय के एक शेर मैंने इसमें लिया है, चीन के नापाक मंसूबे, चीन के नापाक मंसूबे धराशाही करे, मार दुश्मन को भगाए उस हुकूमत को नमन, मर मिटे जो इस वतन पर उस शहादत को नमन, उस शहादत को नमन। और अंतिम जो इसका शेर है वो इस प्रकार से है, साद की जो आदमी की मौजीजा पहचान हो, साद की जो आदमी की मौजीजा पहचान हो, छूले दिल को प्रेम में जो नजाकत को नमन, ऐसी नजाकत को नमन, मर मिटे जो इस वतन पर उस शहादत को नमन, उस शहादत को नमन। इस प्रकार से ये मैंने एक सही लिखा। और एक गीत और आपके समक्ष रखता हूँ मैं। पहले कुछ छंदों में मैंने लिखा है पद, तो वो सुनाता हूँ आपको। कुंडली छंद पे मैंने कन्हैया जी ने जो गोपियों के वस्त्र चुराए थे उस पर दो कुंडली छंद लिखे हैं, तो मैं आपको नज़र करता हूँ। काला काला है बहुत, काला काला है बहुत कालंदी का नीर, काला काला है बहुत कालंदी का नीर, डाल कदम पे छुप गया ले सकियन को चीर, डाल कदम पे छुप गया ले सकियन को चीर, ले सकियन को चीर लगी समझाने सखियां, ले सकियन को चीर लगी समझाने सखियां, सुन तो काना पीर लगी कहने दुनिया सखियां, सुन तो काना पीर लगी कहने दुखिया, हार गई सब हार गई, हार गई सब हार गई गोपियां भज भज माला, हार गई सब हार गई गोपियां भज भज माला, हे तन से तू कृष्ण, कृष्ण मन से भी काला, कृष्ण मन से भी काला। ये एक और इसमें आगे कुंडली छंद है जो इसी का भाग है। बेमतलब का राग है क्यों मांगो तुम भीख, कृष्ण ने गोपियों से कहा, तो वो क्या कहा उसको मैंने अगले कुंडली छंद के रूप में लिखा है। बेमतलब का राग है, यानी कि जो गोपियां कह रही है वो कोई मतलब नहीं है उसे। बेमतलब का राग है क्यों मांगो तुम भीख, मेरी प्यारी गोपियों सुन लो सुंदर सीख, सुन लो सुंदर सीख आज तुम ये ले लो प्रण, सुन लो सुंदर सीख आज तुम ये ले लो प्रण, देख रहे सब जीव राम बसते कण कण, देख रहे सब जीव राम बसते कण कण, माया है जंजाल छोड़ माया का दलदल, माया है जंजाल छोड़ माया का दलदल, जब तुम हो निस्वार्थ लगे दुनिया बेमतलब, लगे दुनिया बेमतलब। इस प्रकार से ये दो कुंडली छंद में मैंने लिखा है। मधुकर जी बहुत बढ़िया आपने मतलब गजलें सुनाई और मुखड़ सुनाए। मधुकर जी आप आपका जो साहित्य सृजन में किन किन साहित्यकारों का आपके इस साहित्य क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिला? मैंने जब साहित्य प्रारंभ किया तो मूलतः मेरे एक मित्र हैं उनसे मैंने इन सब लिए बात किया, तो उनसे मेरी बात बैठी नहीं। तो मेरे मुख्यतः रामावतार जी सागर, विजय जी जोशी और एक जितेंद्र जी निर्मोही, इसके अलावा विष्णु जी हरिहर, इन चार आदमियों का मेरे ऊपर बहुत सानिध्य इनका मेरे को मिलता है। और मैं उनको जो भी जैसा भी आगे की रचना बनाता हूँ कार्यक्रम की, तो उनसे पहले परामर्श जरूर लेता हूँ। गजल के महानायक मानो रामावतार सागर। हाँ जी जी सर, वो गजल में बहुत, तो उनसे मैं पूछता रहता हूँ जो भी और समीक्षा के क्षेत्र में विजय जी जोशी का कोई तोड़ नहीं है साहब, यहाँ अपने कोटा में तो
मधुकर जी, आपने जब साहित्य क्षेत्र चुना तो इसमें आपने किन किन विधाओं को शामिल किया? मैंने मुख्यतः जो प्रारंभ किया था लिखना वो गज़ल से प्रारंभ किया, और गज़लें बहुत लिखी मैंने कम से कम साल डेढ़ साल तक। उसके बाद में धीरे धीरे फिर मैंने छंद पे लिखना प्रारंभ किया, जैसा कि मुझे कक्षा में भी बच्चों को पढ़ाना पड़ता था छंद, तो उसके बारे में फिर छंद पे लिखना, तो काफ़ी समय तक छंद पे भी लिखा, काफ़ी रचनाएं छंद पे है। उसके बीच बीच में गीत भी लिखे कुछ, तो उन गीतों को भी मैंने लिखा है, वो भी आपको सुनाऊंगा। मधुकर जी, जब आप इतना साहित्य का भंडारण आपके पास है, आप इतना लिखते जा रहे हो, तो आपने क्या पांडुलिपि इसकी तैयार नहीं करवाई ताकि ये जो प्रकाशन हो, ये साहित्य अकादमी से के माध्यम से मतलब आप निकाल सको? सर, पांडुलिपि तो तैयार है लगभग, परंतु मेरे ऑफिस में काम करने के कारण से मुझे समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि सुबह 9 बजे जाना और शाम को 6-6:30 बजे तक आना, और फिर तो समय नहीं मिल पाता। समय नहीं मिलने के कारण अभी थोड़ा सा इसमें विलंब हो रहा है, पर बहुत शीघ्र ही मेरी 1-2 पुस्तकें आ जाएंगी, ऐसे उम्मीद रखता हूँ। मधुकर जी, आपने गीत भी लिखे हैं जी, हमारे दर्शकों को कोई गीत सुनाया? एक गीत सुनाता हूँ। गीत लिखा था छोटा सा, एक कंपटीशन हुआ था, उसमें स्त्री के ऊपर लिखना था। अच्छा। तो उसमें मैंने छोटा सा गीत लिखा था, वो गीत आपको सुनाता हूँ। सृष्टि की अनुपम कृति स्त्री, सृष्टि की अनुपम कृति स्त्री, जग जगदम्बा की छवि स्त्री, सृष्टि की अनुपम कृति स्त्री। कभी माँ कभी बहन बनी, कभी माँ कभी बहन बनी, प्रियतम बन की लहर बनी, मन स्पंदन को झंकृत करे, मन स्पंदन को झंकृत करे, प्रियतम मन की झनकार स्त्री, सृष्टि की अनुपम कृति स्त्री। दूसरा बंद इस प्रकार से है कि गंगा बन प्रेम से मिली, गंगा बन प्रेम से मिली, प्रेम में फूलों सी खिली, प्रेम गंगा बन प्रेम से मिली, प्रेम में फूलों से खिली, प्रेम रहना प्रेम पाना, प्रेम का मूलाधार स्त्री, सृष्टि की अनुपम कृति स्त्री, सृष्टि की अनुपम कृति स्त्री। और अंतिम बंद ऐसा है, कभी मीरा कभी राधा, कभी मीरा कभी राधा, पुरुष का तो अंग आधा, नतमस्तक हुआ विधाता, नतमस्तक हुआ विधाता, विधाता का उपहार स्त्री, सृष्टि की अनुपम कृति स्त्री, सृष्टि की अनुपम कृति स्त्री। इस प्रकार से एक छोटा सा गीत लिखा है। ये थोड़ा सा गीत जो है वो निर्गुण जैसे अपन भजन करते हैं ना, इस तरह का है। तो मनवा काई तू करे, मनवा काई तू करे, यूं झूठो रे गुमान, मनवा काई तू करे, यूं झूठो रे गुमान, राजा रंक दोनों की, राजा रंक दोनों की ही गति एक समान, मनवा काई तो करे, मनवा काई तो करे, यूं झूठो रे गुमान, मनवा काई तो करे। प्रथम बंद देखे साहब। माटी सो जो तन बण्यो, माटी से जो तन बण्यो, माटी के ही समान, माटी सो जो तन बण्यो, माटी के ही समान, माटी माटी में ही मिले, सुन लो है सुजान, पल पल उम्र घटे, पल पल उम्र घटे,
तू है रे मेहमान, मनवा काई तो करे, मनवा काई तो करे, तू झूठो रे गुमान, मनवा काई तो करे। दूसरा बंद इस प्रकार से है, मानव जीवन मिलो तू निद्रा छोड़ जाग, मानव जीवन मिलो तू निद्रा छोड़ जाग, तेरा मेरा क्यों करे तू माया मोह त्याग, तेरा मेरा क्यों करे तू माया मोह त्याग, ये सब महल मेरी, ये सब महल मेरी है रे दूल समान, मनवा काई तो करे, मनवा काई तो करे, तू झूठो रे गुमान, मनवा काई तो करे। और अंतिम बंदी इस प्रकार से साहब, लेखा जोखा पूरा पक्का, लेखा जोखा पूरा पक्का, करता है हिसाब, ईश्वर जब खोलेगा कर्मों की किताब, ईश्वर जब खोलेगा कर्मों की किताब, सारी उम्र माया जोड़ी, सारी उम्र माया जोड़ी, गाने बैल समान, मिनवा काई तो करे, मनवा काई तो करे, तू झूठो रे गुमान, मनवा काई तो करे, मनवा काई तो करे। तो मधुकर साहब, बहुत सुंदर रचना आपने दर्शकों को सुनाई। जाते जाते मधुकर जी, आप से हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो साहित्य की जो यात्रा है, ये अनवरत जारी रखेंगे आप? हाँ, जारी रखेंगे साहब, जहाँ तक जैसी बन पड़ेगी। ये थे जोधराज मधुकर जी, साहित्यकार, व्याख्याता। इन्होंने इनकी साहित्य यात्रा के बारे में इन्होंने बखूबी बताया, साथ ही इन्होंने जो गीत और गज़ल लिखे वो आप तक पहुँचाए। ये आज हमारे स्टूडियो में पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।